कौन जो रोकूं किसी को, मैं हूं कौन जो किसी के बारे में कोई बात करूं, मैं हूं कौन जो किसी के बारे में कोई कमेंट कसूं। लेकिन कमेंट कसने वाली भी दुनिया होती है और बोलने वाले भी मीडिया के लोग होते हैं। और जब मीडिया में, प्रिंट मीडिया में जब ये खबरें आती हैं कि मोदी जी बिल्कुल फेल होने वाले हैं, और एक तरफ ये दिखाया जाता है एग्जिट पोल में कि साहब मोदी जी जीतने वाले हैं, मोदी जी की लहर चल रही है, सब जगह पूरी स्टेट में साफ कर दिया जाता है पूरे विपक्ष को, और सवाल किए जाते हैं विपक्ष से कि आप तो जाने वाले हो, मोदी जी आने वाले हैं। लेकिन साहब इसी बीच अगर ऐसी कोई खबर मिले, जब ये हंगामा हो जाए कि जब वो नमो टीवी जो चलता रहा पिछले 3 महीनों से, जहां पर चुनाव प्रचार होता रहा, मोदी जी के बढ़िया बढ़िया भाषण डाले जाते रहे, मोदी जी की रैलियां दिखाई जाती रहीं, जी हां साहब वही नमो टीवी एकदम से गायब हो गया है। जी हाँ, एकदम से गायब हो गया है वो नमो टीवी। आप भी चेक कीजिए और चेक करके बताइए कि वाकई में ऐसा है कि सही खबर मेरे पास आई है। और अगर सही खबर आई है तो दोस्तों समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है। जो चुनाव विश्लेषण दिखाए गए हैं वो बिल्कुल उलट हैं। जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिखाई जा रही हैं वो, या एनडीए को दिखाई जा रही हैं, वो यूपीए को जाने वाली हैं। ये समझ लीजिए शायद इसलिए हार का एहसास हो गया है भारतीय जनता पार्टी को, इसीलिए वो अपना लड्डू पत्रा बांध करके, अपनी धोती कुर्ता संभाल करके वो नमो चैनल वाले भाग गए, एडिटर्स और वो सारे लोग जो मोदी जी का गुणगान हमेशा करते रहा करते थे। अब सवाल क्या उठता है, सवाल ही उठता है साहब अगर आप में हिम्मत थी तो आप रुकते, आप में साहस था तो आप रुकते। भाई हम तो लोकतंत्र की बात करते हैं, हम संविधान की बात करते हैं, क्योंकि हमारे जितने फॉलोअर्स हैं या जितने व्यूअर्स हैं आप ही लोग, हम तो नहीं भागे छोड़ के अपना चैनल, विरोध किया सरकार का। लेकिन इस सरकार का तो विरोध भी नहीं हुआ अभी, नमो चैनल का मैदान छोड़कर रपट लिए, तो इसका मतलब वो ज्ञान याद आ गया है, इसका मतलब गुफा में झोला डंडा रख दिया गया है मोदी जी का, अब साधु बनकर के जीवन व्यतीत कर देने वाले हैं, और लगता है अपने पाप माफ कराने के लिए अपनी बड़ी छवि एक हिंदुत्व की बनाने वाले हैं। लेकिन नमो चैनल का क्या होगा जिसके बारे में कोई चुनाव आयोग बोलने को तैयार नहीं था, कोई भी सरकार बोलने को तैयार नहीं थी, कोई भी सरकारी एजेंसी बोलने को तैयार नहीं थी, जो उस पर कार्रवाई नहीं करना चाह रही थी कि कौन चला रहा है ये नमो टीवी जो आज अचानक से गायब हो गया है सारे चैनलों से, चाहे डिश टीवी हो, चाहे एयरटेल की डीटीएच हो, चाहे स्काई टाटा की डीटीएच हो। जरा दोस्तों चेक करके बताएंगे इतनी कायरता क्यों, हम तो कायर नहीं है, हम तो डालते हैं, हमारा डीटीएच चैनल ना हो, एयरटेल चैनल ना हो, हम इतने बड़े उद्योगपति ना हो, लेकिन हम तो वही काम करते हैं जो देश के हित में होता है। लोकतंत्र की आवाज़ उठाना और संविधान की आवाज़ उठाना हमारा हक है, हर नागरिक का हक है। और ये वीडियो इसलिए भी डालता हूँ कि हर वो लोग इंस्पायर हों और वो डालें वीडियो इस चीज़ के लिए। एक मनोज शर्मा को क्या मिटा पाओगे आप, धमकियाँ मत दिया कीजिए। खैर इस बारे में बात नहीं करना नहीं चाहता इस बारे में, लेकिन नमो टीवी अचानक से गायब क्यों हो गया इसके बारे में तो थोड़ा सा विचार बनता है ना दोस्तों। चलिए विचार कीजिए और कमेंट कीजिए और बताइए कि नमो टीवी क्यों गायब हो गया, किसलिए गायब हो गया। ये ताज़ा खबर है जो आपके बीच लेकर आया हूँ। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।